हेलो गाइस, मैं अनुराग झा नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो है हम लोग हिस्ट्री के 11वें चैप्टर विद्रोही राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान के से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बनते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद जो है इसको 2 से 3 दिन हिस्ट्री को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोगों को पढ़ने हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे वर्क जो है हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इसको जो है निश्चित रूप से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ख़त्म हुए उसके सारे PDF फाइल्स जो है आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स तो दूसरे सब्जेक्ट्स के आते ही रहेंगे, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं ताकि सब्जेक्टिव शुरू हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, क्योंकि टाइम नहीं है तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करूँगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आऊँगा। तो चलिए आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय अवध का शासक कौन थे। तो उस समय जो अवध के शासक थे वो थे वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों के कुशासन की आड़ में किस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था, ठीक है। तो वो जो है आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे हैदराबाद, ठीक है। अवध को भी ले लिया था और ग्वालियर अंग्रेजों के ने कुशासन के आड़ में, तो कुशासन के आड़ यहाँ कुशासन स्पेशली वर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विरजिस कद्र युवा पुत्र था, ठीक है। विरजिस कद्र जो है युवा पुत्र था किसका, तो यहाँ पे देखिए वाजिद नवाब वाजिद अली शाह का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बिहार में विद्रोहियों का नेता था, तो बिहार में विद्रोहियों का नेता कौन था, कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट देखिए फिरंगियों का सफाया करने के लिए निम्न भाषा में अपीलें जारी की गई, तो किस भाषा में अपील जारी की गई थी दोस्तों, तो वो जो है आपका फारसी में भी हिंदी में भी, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिल्ली में विद्रोहियों ने विद्रोह के नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया था। तो दिल्ली में विद्रोहियों ने विद्रोह को नेतृत्व करने के लिए किसे मजबूर किया था, आपको पता होगा कि बहादुर शाह जफर को जो है नेतृत्व राजा बना दिया था उन्होंने फिर से, ठीक है, जब अंग्रेजों ने उन्हें निकाल दिया था। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था, ठीक है। तो ये जो है मेरठ की छावनी से हुई थी, ठीक है, बंगाल पांडे किए थे, यहीं से शुरू हुआ था। आठवां क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियाँ किस लेखक की हैं, ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, आपका क्लास 6 या 7 में होगा, ठीक है, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्रोह के बाद अंग्रेजों का अवध पर पुनः नियंत्रण स्थापित हुआ, ठीक है। तो विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों का पुनः नियंत्रण कब स्थापित हुआ था, मार्च 1858 को। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसको कहा जाता है, तो बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवध में 1856 में अवध में निम्न भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, तो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, तो एकमुश्त बंदोबस्त, ठीक है, एकमुश्त बंदोबस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू। क्योंकि चैनल थोड़ा सा नया है तो थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए आप लोगों का निश्चित रूप से यार। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, ठीक है, भारत का जो है प्रथम शहीद कौन था 1857 की क्रांति में, तो सबसे पहले जो मंगल पांडे, और यही जो थे तत्कालिक कारण थे 1857 की क्रांति के, ठीक है। ये ऐसे भी अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण कौन थे, तो मंगल पांडे को जो फांसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका झांसी तथा सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था, तो झांसी तथा सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था दत्तकता को अवैध घोषित करके, ठीक है, कि हड़प राज हड़प की जो नीति थी उसमें कहा गया था कि आप पुत्र गोद भी नहीं ले सकते, तो दत्तक पुत्र नहीं ले सकते थे गोद, तो इसीलिए जो है उनको मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति में तत्कालिक कारण कौन थे, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण जो है चर्बी वाले कारतूस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह का आरंभ कब हुआ, तो 1857 के विद्रोह का आरंभ जो है 10 मई 1857 को हुआ था झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्ध में झांसी रानी झांसी की मृत्यु कब हुई थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो युद्ध में मृत्यु जो है आपको जून 1858 को हुई थी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लखनऊ में विद्रोह 1857 के का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ के विद्रोह का जो है नेतृत्व आपको पता है हजरत बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह में सबसे व्यापक रूप देखने को मिला था। तो 1857 में सबसे व्यापक रूप में जो देखने को मिला था अवध में, ठीक है, अवध में, क्योंकि इसको जो है जबरदस्ती मिला लिया गया था अपने अंदर। नेक्स्ट है सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया गया था? तो सती प्रथा को जो है समाप्त करने के लिए 1829 में बनाया गया था कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए आप, अगर अगर आप लोग निश्चित रूप से अगर बैठना चाहते हैं 12th के एग्जाम में, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको तो निश्चित रूप से आप लोग देखिए। अंग्रेजों ने शासकीय दुर्बलता अयोग्यता की आड़ में निम्न रियासतें को कब्जा किया था? तो ये जो है अवध का जो है इसको अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, कि आपका शासन व्यवस्था अच्छा नहीं है, कुछ शासन पे फैल रहा है, तो इसलिए उसको मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्रोह के समय सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेता कौन था? तो कोल आदिवासियों का जो नेता था वो गोनू थे। कौन थे? गोनू, ठीक है, जिनको गोनू झा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। तो अवध को जो है औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, कब मिलाया गया था? तो याद रखिएगा 1856 में, ठीक है। कैसे मिलाया गया था? तो कुशासन की जो है आरोप लगा कर उनको मिला लिया था, और जब मिलाया गया था तो उनका राजा का क्या नाम था? तो वासिद अली, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्रोह 1857 के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत परांगना के गांव वालों को संगठित किया गया था, तो कैसे? शाम महल में, ठीक है, शाम महल में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।